सब्सक्राइब कीजिए टेक माइंड बर्ड चैनल को और सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए क्लिक कीजिए इस बेल बटन पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि RBL बैंक के UPI ऐप पर रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, बैंक अकाउंट को कैसे लिंक करते हैं, ट्रांजेक्शन कैसे करते हैं और इसे कैसे यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश सैनी और आप देख रहे हैं YouTube चैनल टेक माइंड वर्ल्ड। मैंने पहले से ही RBL बैंक के UPI ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके रखा है। आप इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट डाउनलोड लिंक दे दिया है, इस लिंक पर क्लिक करके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ बताया जा रहा है पहले मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा, फिर UPI अकाउंट बनाना है, इसके बाद अपना बैंक अकाउंट लिंक करना है, उसके बाद आप रुपए सेंड और रिसीव कर सकते हैं। चलिए गेट स्टार्टेड पर क्लिक करते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट नोट्स दिया है, किसी के साथ अपनी डेबिट कार्ड डिटेल शेयर नहीं करनी है, अपना OTP शेयर नहीं करना है और अनजान नंबर पर SMS फॉरवर्ड नहीं करना है। इसे रीड करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से बैंक में रजिस्टर्ड सिम कार्ड सेलेक्ट करके सेंड SMS पर क्लिक कर देंगे। यहाँ बताया जा रहा है मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के लिए आपके बैंक को एक SMS जाएगा जो कि चार्जेबल होगा, इसे यस कर देंगे। अब मोबाइल नंबर वेरीफाई हो रहा है, कुछ देर के लिए वेट करना होगा। ये देखिए मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया है। यहाँ पर अपना पूरा नाम डाल देंगे, यहाँ ईमेल ID डाल देंगे। यहाँ से आप 1 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक ट्रांसफर लिमिट सेट कर सकते हैं, इसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। अब 6 डिजिट का ऐप का लॉगिन पिन रखना है, चलिए मैं पिन रख लेता हूँ। यहाँ कंफर्म में भी सेम पिन डाल देंगे, इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन के चेकबॉक्स में टिक कर देंगे और फिर एक्टिवेट अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। अब BPA बनाना है, जिसे हम वर्चुअल एड्रेस UPI ID या पेमेंट एड्रेस भी बोलते हैं। वर्चुअल एड्रेस से आप बिना अकाउंट नंबर बताए अकाउंट में रुपए ले भी सकते हैं और रुपए दे भी सकते हैं। वर्चुअल एड्रेस आपको खुद ही बनाना होता है, अपनी पसंद का कुछ भी वर्चुअल एड्रेस रख लेंगे। यहाँ कुछ सजेस्टेड BPA दिए हैं, इनमें से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने अपना वर्चुअल एड्रेस टाइप कर दिया है। वर्चुअल एड्रेस के ऊपर मैंने अलग से सेपरेट वीडियो भी बनाया है, ऊपर IK बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। वर्चुअल एड्रेस डालने के बाद चेक एंड क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए रजिस्ट्रेशन हो गया है, अब बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए बोला जा रहा है। चलिए अब अकाउंट ऐड करते हैं, इसे ओके कर देंगे। ये देखिए यहाँ सभी बैंक्स की लिस्ट आ गई है, आपका जिस बैंक में अकाउंट है यहाँ से उस बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके एक से ज्यादा बैंक अकाउंट है तो आप उन्हें भी ऐड कर सकते हैं। मैंने अपना बैंक सिलेक्ट कर लिया है। बैंक सिलेक्ट करते ही आपका अकाउंट नंबर यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ अपना निकनेम डाल देंगे, इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए बैंक अकाउंट ऐड हो गया है। दोस्तों, इसके बाद आपसे ट्रांजेक्शन UPI पिन सेट करने के लिए बोला जाएगा। अगर आपने ऐड किए गए बैंक अकाउंट के साथ UPI पिन पहले से सेट कर रखा है तो उसी UPI पिन को यूज कर सकते हैं, और UPI पिन सेट नहीं किया है तो पहले आपको UPI पिन सेट करना होगा। UPI पिन कैसे सेट करते हैं और UPI पिन कैसे चेंज करते हैं, इसके बारे में मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। मेरा UPI पिन पहले से सेट है, इसलिए यहाँ मुझसे UPI पिन चेंज करने के लिए पूछा जा रहा है। तो मुझे UPI पिन चेंज नहीं करना है, इसलिए मैंने इसे नो कर दिया है। चलिए अब मैं आपको ट्रांजेक्शन करके दिखाता हूँ। यहाँ सेंड मनी पर क्लिक करेंगे, यहाँ रुपए डाल देंगे जितने रुपए ट्रांसफर करने हैं। यहाँ से पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है, आप वर्चुअल एड्रेस और अकाउंट नंबर के द्वारा रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं। पहले मैं आपको वर्चुअल एड्रेस के द्वारा रुपए ट्रांसफर करके बता रहा हूँ। तो वर्चुअल एड्रेस ऑलरेडी सेलेक्ट है, यहाँ पे का वर्चुअल एड्रेस डालना है। अगर वर्चुअल एड्रेस पहले से सेव कर रखा है तो यहाँ सेलेक्ट फ्रॉम बेनिफिशियरी लिस्ट पर क्लिक करके पे का वर्चुअल एड्रेस सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से अपना वर्चुअल एड्रेस और बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है जिस अकाउंट से रुपए ट्रांसफर करने हैं। रिमार्क्स में नरेशन डाल देंगे, इसके बाद प्रीव्यू पर क्लिक कर देंगे। अब कंफर्म पर क्लिक करेंगे, अब UPI पिन डालकर ओके कर देंगे। ये देखिए ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हो गया है, इसे ओके कर देंगे। अब मैं आपको अकाउंट नंबर के द्वारा रुपए ट्रांसफर करके बताऊंगा। वापस होम पेज पर आ जाएंगे, फिर से सेंड मनी पर क्लिक करेंगे, यहां से पेमेंट मोड सेलेक्ट कर लेंगे अकाउंट नंबर प्लस IFSC। यहां रुपए डाल देंगे जितने रुपए ट्रांसफर करने हैं। यहां पे का अकाउंट नंबर डाल देंगे, यहां IFSC कोड डाल देंगे, यहां पे का नाम डाल देंगे। यहां से अपने वर्चुअल एड्रेस और अकाउंट नंबर सेलेक्ट करना है जिस अकाउंट से रुपए ट्रांसफर करने हैं। रिमार्क्स में नरेशन डाल देंगे,
इसके बाद प्रीव्यू पर क्लिक कर देंगे। अब कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब यूपीआई पिन डालकर ओके कर देंगे। ये देखिए ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हो गया है, इसे ओके कर देंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि रुपए के लिए रिक्वेस्ट कैसे भेजते हैं। वापस होम पेज पर आ जाएंगे। अब कलेक्ट मनी पर क्लिक करेंगे। यहाँ रुपए डाल देंगे जितने रुपए के लिए रिक्वेस्ट भेजनी है। यहाँ पेयर का वर्चुअल एड्रेस डाल देंगे। वर्चुअल एड्रेस डालते ही यहाँ पेयर का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ से अपना वर्चुअल एड्रेस और अकाउंट नंबर सेलेक्ट करना है जिस अकाउंट में रुपए मंगाने हैं। रिमार्क्स में नरेशन डाल देंगे। यहाँ से रिक्वेस्ट एक्सपायरी टाइम सेट कर सकते हैं। इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए रिक्वेस्ट चली गई है। अब पेयर जैसे ही रिक्वेस्ट को अप्रूव करेगा तो उतने रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। चलिए अब मैं आपको इसके बाकी के ऑप्शन के बारे में बता देता हूँ। इसे ओके कर देंगे और वापस होम पेज पर आ जाएंगे। अगर आपके पास कोई रुपए के लिए रिक्वेस्ट भेजता है तो वो आपके अप्रूव कलेक्ट रिक्वेस्ट में शो होगी। यहाँ से आप बैंक अकाउंट मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं। यहाँ से आप बेनिफिशरी मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से वर्चुअल एड्रेस मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको यूपीआई पिन सेट करना है या चेंज करना है तो यहाँ प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करके यूपीआई पिन चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अकाउंट नंबर सेलेक्ट करके सबमिट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ ओल्ड यूपीआई पिन और यहाँ न्यू यूपीआई पिन डालकर ओके कर देंगे तो यूपीआई पिन चेंज हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको यूपीआई पिन सेट करना बता देता हूँ। वापस प्रोफाइल पर आ जाएंगे। यहाँ सेट रिसेट यूपीआई पिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ एटीएम कार्ड नंबर के लास्ट 6 डिजिट डाल देंगे। यहाँ कार्ड एक्सपायरी मंथ डाल देंगे। यहाँ एक्सपायरी ईयर डाल देंगे। इसके बाद कंटिन्यू कर देंगे। अब बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसे यहाँ डाल देंगे। यहाँ अपनी पसंद का यूपीआई पिन डालकर ओके कर देंगे। यहाँ कंफर्म में भी सेम यूपीआई पिन डालकर ओके कर देंगे तो यूपीआई पिन सेट हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा जिससे हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।